टुडे आई फील अशेम दैट इंडियन बिकॉज अगर हम एक बच्ची को नहीं बचा पाते पहले उसके साथ रेप होता है उसके बाद उसको जला के मार दिया जाता है जो वो बच्ची लास्ट मोमेंट तक ये कहती गई कि मुझे बचा लो सो आई थिंक ऑल ऑफ आस शुड टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल ऑफ आस एज इंडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी अक्रॉस पार्टी लाइन अक्रॉस एवरी थिंग सो दैट द रीजन टैट वी फेल्ड अगेन एंड वी फेल्ड एज अ ने एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा क्योंकि मेरे को भी बहुत कम से में हुआ है पार्लियामेंट में मैं सिर्फ जो भी थोड़ा सुना है कि एटलीस्ट इन रेप केसेस में वी शुड नेवर पोलिटिसाइज वेदर इट इज बीजेपी कांग्रेस एनी पोलिटिकल पार्टी वी शुड नॉट पोलिटिसाइज दिस मैटर ये किसी की जिंदगी का सवाल है किसी के माइंड का सवाल है आप जिन बच्चियों के साथ ये होता है अब उनका माइंडसेट उनके परिवार की हालत सोचिए तो इसको पोलिटिसाइज करने से कुछ भी नहीं मिलेगा आई थिंक वी एज अ नेशन नीड्स टू स्टैंड अप फॉर ऑल द गर्ल्स वुमेन सिक्योरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये देश उनका उतना ही है जितना आदमियों का है इस देश को उन्होंने भी बनाया उनका भी बहुत बड़ा बलिदान रहा है उसमें तो हम अपने देश की बच्चियों को उस हद तक नहीं लेके जा सकते जहां वो सूरज ढलने में दे स्टार्ट फीलिंग अनसेफ सो वेदर इट इज पार्लियामेंट वेदर इट इज एनी पोलिटिकल पार्टी आई एम टॉकिंग फ्रॉम माई ओन पोलिटिकल पार्टी इज वेल कि वी शुड नेवर पोलिटीसाइज दिस मैटर एंड द वर्स्ट थिंग यू कैन डू सिटिंग इन अ पार्लियामेंट दैट यू पोलिटिस दिस ऑफ़ अ मैटर कैसे नहीं हो सकता कि वो रात को बाहर नहीं जा सकती या फिर उनके ड्रेस चेंज कराओ ड्रेस चेंज कराने से नहीं माइंड सेट चेंज करने से चीजें बदलती हैं ठीक है जो लोग कहते हैं कि आ, वो ऐसे ड्रेसअप होती है दे हैव ऑल द राइट इट्स ओके मतलब आप आदमी के आदमी को नहीं कहते कि जी आदमी सिर्फ यही कपड़े पहनेंगे तो फिर आप औरतों को क्यों कहते हैं कि औरतों को सिर्फ यही कपड़े पहनने अलाउड होने चाहिए नहीं उनके लिए भी उतना ही देश है जितना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए इम्पॉर्टेंट ये है कि जुडिशियल सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है इंपॉर्टेंट यह है कि आपको स्कूल में बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा आपको पेरेंट्स को इनिशिएटिव uh, लेने पड़ेंगे अपने बच्चों को एजुकेट करने के लिए बिकॉज ये बिहेवियरल चेंज की जरूरत है और जुडिशल चेंज की भी जरूरत है जब तक ये दोनों इकट्ठे रह के काम नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि ज्यादा चीजें बदल पाएंगी आप जितना मर्जी इसको पोलिटिसाइज कर लीजिए जितना मर्जी आप बोल लीजिए आई थिंक अल्टीमेटली आप आपको इम्पैक्ट तभी मिलेगा जब सारी सारी पोलिटिकल पार्टीज अक्रॉस पार्टी लाइन हर आदमी बिकॉज अल्टीमेटली अगर ये आदमी किसी दो या तीन व्यक्तियों ने किया वी ऑल शुड बी अशेम ऑल मेन शुड बी अशेम्ड अबाउट इट एंड टुडे फील अशेम टू बी अ मैन बिकॉज अगर आप मेरे भी घर में दो बच्ची हैं सबके यहाँ बच्ची हैं किसी के साथ अगर ऐसा होगा तो उस परिवार का सोचो उनके ऊपर क्या बीतरी होगी पहले इतना बड़ा उसके साथ बच्ची के साथ हादसा हुआ उसके बाद जला के मार दिया गया दस प्रॉब्ल द वर्स्ट क्राइम दैट इज हैपन ऑन अर्थ you <laughs>